वेलकम डियर ऑकर्ड्स, आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रोड ट्रेन। मूवी की शुरुआत में एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसके बारे में बोला जाता है कि अगर ये ट्रक आपको कहीं हाईवे पर दिखे तो आपको इससे बचकर भाग जाना चाहिए। अगर ये ट्रक बिना किसी बात के भी आपको टक्कर मारे तो भी आप इससे पंगा न लो, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब चार दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें से माइक नाम का लड़का इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। माइक अपने सामने चल रहे बड़े ट्रक को देख रहा होता है और ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर क्यों मारी इस बारे में सोच रहा होता है। माइक अब बड़े गुस्से में है, लेकिन उसके दोस्त समझाते रहते हैं कि इस ट्रक से पंगा मत लो, लेकिन अपने गुस्से के आगे माइक किसी की नहीं सुनता। वो जादुई ट्रक से होने वाले खतरे पर ध्यान न देते हुए उस ट्रक से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। शुरू में जादुई ट्रक माइक को कोई मौका नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर में कुछ अजीब होता है। जादुई ट्रक हार मान लेता है और माइक की गाड़ी को आगे जाने देता है। अब चारों दोस्त इस बात से इतने ज्यादा खुश होते हैं कि उनका ध्यान इस बात पर जाता ही नहीं है कि ट्रक को कोई नहीं चला रहा था, मतलब ट्रक अपने आप चल रहा था। हालांकि आगे जाते ही जादुई ट्रक वापस से उन पर हमला करने आता है और जल्दी से माइक की गाड़ी के साथ खतरनाक टक्कर होने वाली होती है। अब की बार जादुई ट्रक उनसे बहुत जोर से टकराता है। इतनी खतरनाक टक्कर से माइक की कार घसीटते हुए जाती है और कार के तो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल हो जाते हैं, लेकिन किस्मत से माइक की बाजू में थोड़ी चोट आई होती है और बाकी तीनों सही सलामत होते हैं। चारों दोस्त एक अच्छी ट्रिप में घूमने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि इस खतरे में फंस गए। अब वो पता लगाना चाहते हैं कि ट्रक में आकर है कौन और कोई ऐसा क्यों कर रहा है। अब दूसरा लड़का जेरी अपनी गर्लफ्रेंड बेला का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ ट्रक के पास लेके जाता है, लेकिन उनको इस बात की कोई भनक नहीं होती कि ऐसा करने से उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होने वाली है। दोनों जादुई ट्रक के पास बड़े ध्यान से जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि ड्राइवर की सीट पर कोई भी नहीं है। वो देखते हैं कि ट्रक में चाबी लगी हुई है, इसलिए माइक और उसके साथी खुश हो जाते हैं और सभी ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। अचानक उनको पास से गोली चलने की आवाज आती है। एक आदमी बंदूक लेकर माइक और उसके दोस्तों की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर चारों दोस्त डर जाते हैं कि अब क्या होगा, और उस आदमी से बचने के लिए वो जल्दी से ट्रक में चढ़ जाते हैं। सभी के सभी लोग बंदूक वाले पागल आदमी को देखकर बहुत डरे हुए हैं। जेरी ट्रक को शुरू करता है ताकि वो लोग पागल आदमी से बच पाएं, लेकिन बेचारे को पता नहीं होता कि जादुई ट्रक ने ये जाल बुना हुआ था ताकि वो चारों मर सके। ट्रक के अंदर अजीब संगीत बज रहा होता है और जल्द ही चारों को बहुत गहरी नींद भी आ जाती है, और चारों को नींद जादुई ट्रक के जादू से आई होती है। फिर वो ट्रक उनको एक छोटे कच्चे रास्ते पर लेकर जाता है। अचानक ट्रक के नीचे कुछ आने से झटका लगता है और ड्राइवर सीट पर बैठे जेरी की आंख खुल जाती है। वो सही समय पर ब्रेक्स लगा देता है, वरना आज तो चारों दोस्तों का आखिरी दिन होता। सभी की आंखें खुलती हैं और गर्मी लगने की वजह से वो बाहर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वो सभी एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसको कोई इस्तेमाल नहीं करता और वहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि जादुई ट्रक उनको यहाँ जानबूझकर लेकर आया है। अब जेरी ट्रक को वापस घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक शुरू नहीं होता। अब माइक की चोट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए कुछ देर बातचीत करने के बाद जेरी अपनी गर्लफ्रेंड बेला के साथ मदद मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद ही ट्रक में रुका हुआ माइक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। बाहर माइक की गर्लफ्रेंड मैरी एक पत्थर को लेकर ट्रक के साथ जुड़े कंटेनर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है ताकि उसको अंदर से कोई काम की चीज मिल जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ताले पर भी किसी तरह का जादू किया हुआ है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी ताला खुलने को तैयार नहीं होता। इसलिए मैरी हार मान के वहां से चली जाती है। अब मैरी पेट्रोल की टंकी खोलकर देखती है तो उसको पता चलता है कि टंकी में तो पेट्रोल है ही नहीं। ये देखकर सवाल उठता है कि बिना पेट्रोल के ये ट्रक यहाँ कैसे आया। मैरी का चेहरा देखकर साफ साफ पता लग रहा होता है कि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अब मैरी पेट्रोल के पाइप निकालकर देखती है जिससे लाल रंग की कोई अजीब चीज निकल रही होती है। वो सोचती है कि ये कोई पेट्रोल तो नहीं है, तो ये चीज है क्या। दूसरी तरफ माइक अचानक ही जाग जाता है और पता नहीं कैसे खुद ही एक जगह हाथ डालकर एक चाबी निकाल लेता है। फिर कोई रहस्यमय ताकत उसको ट्रक के पीछे डब्बों की तरफ खींच लेती है और माइक दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है अंदर से चीखने की आवाज आती है। मैरी उस आवाज को सुन लेती है और वो जल्दी से माइक को देखने पहुंचती है, लेकिन उसको ट्रक के अंदर माइक नहीं मिलता। वो माइक को घबराते हुए इधर उधर ढूंढती रहती है। तभी ट्रक के डब्बे का दरवाजा खुलता है और माइक सही सलामत बाहर आ जाता है। लेकिन अब जो माइक बाहर आया है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। उसके जिस हाथ पर चोट लगी थी उसमें पहले से ज्यादा जान आ गई है और उसकी आंखें भी भयानक लग रही होती है। देखने में तो लग रहा है कि जैसे उसके शरीर पर किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया हो। इसके बाद से वो अपने आसपास के सभी लोगों को एक एक करके मारने वाला है। सबसे पहले हादसा माइक के सबसे अच्छे दोस्त जेरी के साथ होता है। जेरी और उसकी गर्लफ्रेंड अभी रोड पर पहुंचे ही थे कि दोनों के बीच बहसबाजी हो जाती है। अब गुस्से में जेरी की गर्लफ्रेंड वापस जादुई ट्रक के पास चली जाती है और उसके जाने के बाद ही जेरी का सामना उस पागल आदमी से होता है जो कि बंदूक लेकर घूम रहा था। पागल आदमी जल्दी जेरी को पकड़ लेता है, लेकिन जेरी हार नहीं मानता और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। हालांकि पागल आदमी लड़ाई जीत जाता है,
पागल आदमी जेरी के मुंह में बंदूक डाल देता है और जेरी को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो इससे बच पाएगा कि नहीं। इस सब के दौरान जेरी की गर्लफ्रेंड बेला जादुई ट्रक के पास पहुंच चुकी है और उसको चलाने की कोशिश करती है, लेकिन पेट्रोल न होने के बाद भी ट्रक चालू हो जाता है। हालांकि उनकी खुशियां सिर्फ 2 सेकंड तक भी नहीं टिकती, क्योंकि तभी के तभी उनके साथ बहुत बुरा हादसा हो जाता है। जेरी पागल हो चुका है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के बाल पकड़कर उसको बाहर खींच लेता है और उसके बाद दूसरी लड़की मैरी के साथ भी ऐसा ही करता है। वो एक बंदूक दोनों लड़कियों के सर पर रखता है और दोनों लड़कियां डर के मारे कांप रही होती है। अब अपनी गर्लफ्रेंड की जान को खतरे में देखकर जेरी खुद को होश में लेके आता है। वो आराम से झुकता है और अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से गले लगा लेता है। अब वो खड़ा होकर उस जादुई ट्रक पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार दोबारा उसको अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। मैरी पीछे से मारकर जेरी को बेहोश कर देती है और उसकी बंदूक उठा लेती है। फिर दोनों लड़कियां मिलकर जेरी को ट्रक के नीचे बांध देती हैं और ट्रक को घुमाकर वापस जाने का तय करती हैं। लेकिन ऐसा होने से पहले ही माइक बाहर आता है। अब पता चलता है कि माइक के शरीर पर काबू करने वाला राक्षस ही इन सब के पीछे पड़ा हुआ है। उसने ही पागल आदमी का इस्तेमाल करके जेरी के दिमाग को काबू किया था और जेरी का इस्तेमाल करके दोनों लड़कियों को मारना चाहता था। तभी जेरी बोलता है, माइक तुमने ट्रक को नहीं चुना बल्कि ट्रक ने तुम्हें चुना है। माइक को नहीं लगा था कि जेरी खुद के दिमाग पर काबू कर लेगा। बेचारा जेरी सोचता है कि माइक उसकी मदद करने के लिए आया हुआ है, लेकिन इसके बाद जो उसके साथ होने वाला है वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। माइक इस बात का फायदा उठाता है और जेरी को मारता है। इसके बाद वो जेरी का सर पकड़कर चलते हुए टायर के नीचे कर देता है। दोनों लड़कियों को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाती है। दोनों बाहर जाकर जेरी का हाल देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभालती है। वो दोबारा से जेरी की लाश ट्रक के नीचे बांध देते हैं, लेकिन जब वो ट्रक से वापस आकर देखते हैं तो जेरी की लाश गायब हो चुकी होती है। दोनों लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ये सब इतना डरावना होता है कि मैरी डर की वजह से वापस ट्रक में चली जाती है। तभी वहां पर माइक आता है और बेला को बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? वो बेला को अपनी चाल में फंसा लेता है और ट्रक के पीछे डब्बे में लेके जाता है। अब माइक का अगला शिकार उसकी गर्लफ्रेंड मैरी है। अब वो मैरी के सामने जाता है, जो कि ट्रक से बाहर अपने दोस्त बेला को ढूंढने में लगी हुई है। माइक मैरी को भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। मैरी ट्रक के अंदर जाती है और ट्रक को चालू करती है। वो सोचती है कि मैं इस जगह से थोड़ी दूर चले जाऊंगी तो शायद माइक ठीक हो जाएगा। बहुत सारी मेहनत करने के बाद, मुश्किलों के बाद मैरी रोड पर वापस पहुंच चुकी है। अब मैरी ट्रक को रोकती है ताकि वो माइक को ट्रक के डब्बे से बाहर निकाल सके, लेकिन अचानक ही उसको कुछ टपकने की आवाज आती है। वो देखती है कि लाल रंग की कोई चीज ट्रक के पेट्रोल वाले टैंक से निकल रही है और पता लगता है कि जादुई ट्रक को पेट्रोल की जगह इंसान से चलाया जाता है। ये सब देखकर तो मैरी डर जाती है और वो मदद मांगने के लिए वापस ट्रक चलाने लग जाती है। अब माइक को दिखाया जाता है जो कि ट्रक का स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बैठा हुआ है। वो बड़े खुशी के साथ सामने जाती एक गाड़ी पर ट्रक चढ़ा देता है। मैरी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। उसको समझ आ गया है कि उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। मैरी गुस्से से भर जाती है और बेला को थप्पड़ मारकर ट्रक से बाहर फेंक देती है। ऐसा होने से माइक ट्रक को रोकता है ताकि वो अपनी शिकार बेला को वापस ला सके। अब मैरी इस बात का फायदा उठाती है और बंदूक लेकर चुपचाप अपने बैग में डाल देती है। वो ट्रक से बाहर जाती है और भागने की तैयारी करती है, और साथ ही साथ वो माइक की बातें मानने का नाटक भी करती है। जब माइक बेला को ट्रक के पीछे वाले डब्बे में लेके जा रहा होता है, तभी वो माइक और बेला दोनों को अंदर ही बंद करने का सोचती है। बदकिस्मती से उसको ऐसा करने का ज्यादा समय नहीं मिलता और माइक उसको भी अंदर लेके जाता है। फिर माइक मैरी को क्रशर मशीन में डालने वाला होता है, लेकिन मैरी अपना सर जोर से माइक को मारती है। अच्छा मौका मिलते ही मैरी जल्दी से जंगल में भाग जाती है, हालांकि फिर भी माइक उसको पकड़ लेता है। अब अपनी जान पर खतरा देखकर मैरी अपने बैग से बंदूक निकालती है और माइक को गोली मार देती है। जब मैरी वापस आती है तो वो देखती है कि एक और आदमी जादुई ट्रक के जाल में फंस गया है, लेकिन मैरी उनको रोक नहीं पाती क्योंकि वो उनसे काफी दूर खड़ी है। इस कहानी में वैसे तो जादुई ट्रक बहुत ही ज्यादा डरावना है, लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली चीज इंसानों का बर्ताव है। अगर आप किसी मुसीबत में अपने आप को संभालना सीख लोगे तो सभी जगह आपको जीत ही मिलेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय मूवीज पसंद आती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिक्स्थ मैन देखने के लिए, क्योंकि इसमें एक ऐसी बास्केटबॉल है जो खुद बास्केट होती है, और ये कैसे हुआ ये देखने के लिए देखिए सिक्स्थ मैन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।